हे हाय हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से। और ये व्लॉग है कुछ दिन पहले का, कुछ दिन मतलब 3 से 4 दिन पहले का व्लॉग है ये। सुबह सुबह का टाइम था, बच्चों को मैंने जो है वो आवाज़ दी कि उठ जाओ बेटा, तकरीबन 10:30 का टाइम हो रहा होगा। मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन किस वक्त के एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो वेकेशन चल रहे हैं, तो आजकल थोड़ी सी रूटीन आउट हुई भी है। बच्चे देर तक सोते हैं, वरना तो हमारी सुबह तो 6 बजे हो जाती है। खैर, मौसम काफ़ी अच्छा सा तो नहीं था, लेकिन ये कि हवा चल रही थी, धूप तो थी लेकिन हवा चल रही थी, थोड़ा धूप छांव सा हो रहा था। तो मैंने दरवाज़ा वगैरह खोला और चाय का पानी मैं रख चुकी थी। बस मैं नाश्ते के लिए बच्चों से पूछी थी कि उन्होंने क्या खाना है, तो दोनों को खाना था आज पराठा, लेकिन उनको वैसा वाला पराठा नहीं खाना था, घर वाला, मतलब उनको डॉन का पराठा खाना था। तो किस्वा ने भी कहा कि मम्मा मैंने वही पराठा खाना है, और आयरा ने भी कहा। तो बस मैं यहाँ बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। किस्वा आयरा जो हैं दोनों, इवन मैं भी, हम लोग बहुत ज़्यादा पराठा लवर नहीं हैं, मतलब मुझसे रोज़ रोज़ पराठे नहीं खाए जाते, और बच्चों को भी वो आदत नहीं है। तो कभी वो ब्रेड खा लेते हैं, कभी वो मैं उनको एग फ्राई कर देती हूँ, कभी एग बॉईल कर देती हूँ, और ये पराठे मैं रखती हूँ कि कभी चलो उनका दिल चाहे तो मैं उनको ये दे सकूँ। डिफरेंट तरीके से दे देती हूँ, कभी अंडे से दे दिया, कभी उनको जिस चीज़ से भी खाना है। आज जो है वो आयरा को बटर चाहिए था और किस्वा को हनी चाहिए था, तो वो हनी से जो है वो ड्रिजल करके बहुत शौक से दोनों माशाल्लाह खा लेती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने उनको भी नाश्ता दे दिया था और अपने लिए भी मैंने यही एक पराठा सेक लिया था कि मैं चाय के साथ खाऊंगी। वैसे तो मैं नाश्ता मोस्टली नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक कप चाय का लेती हूँ और मेरा दोपहर में लंच होता है। लेकिन ये कि बिल्कुल छोटा सा पराठा था, तो मैंने बच्चों के साथ एक ये पराठा ले लिया था। बस यहाँ नाश्ता वगैरह हो गया था और मैंने किस्वा को पढ़ने बिठा दिया था। वैसे तो किस्वा के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं फाइनल टर्म, लेकिन एज़ यू ऑल नो कि हम पूरा ईयर जो है वो यहाँ नहीं थे पाकिस्तान में, तो उसकी टीचर ने मुझे पहले ही कहा था कि उसका फ़र्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो है वो हम कंबाइंड फाइनल टर्म के बाद लेंगे, ताकि हम उसका एक प्रॉपर रिज़ल्ट बना सकें। तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं था, ज़ाहिर बात है, क्योंकि इस वक्त मैं पूरा साल पढ़ाती रही हूँ, तो वो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर थी। तो बस आफ्टर एग्ज़ाम जो है वो उन्होंने मुझे तकरीबन 4 डेज़ का टाइम दिया था, 5 डेज़ का, कि आप जल्दी से एक क्विक सा रिवीजन किस वक्त को करवा लें। वैसे तो वो माशाल्लाह बहुत तारीफ़ करी थी किस वक्त की, कि अगर मैं ऐसे ही भी किस वक्त का पेपर लूँ तो वो बहुत आराम से दे लेगी, मुझे पता है कि शी इज़ सो इंटेलिजेंट। तो खैर, ये सुन के तो मुझे, आप समझें कि मेरे अंदर तो आप जान में जान आ जाती है कि मैं जितनी मेहनत बच्चों के साथ करती हूँ तो मुझे उसका रिज़ल्ट जो है वो किस्वा देती है। बस बच्चों को पढ़ाया मैंने, आयरा अपनी कलरिंग करी थी, उसके बाद मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। खाने में आज बनने थे कोफ्ते, क्योंकि आयरा जो है वो 2-3 दिन से मेरा दिमाग खा रही थी कि उसे कोफ्ते खाने, क्योंकि इससे पहले मैंने पुलाव बनाया था, तो वो किस्वा का फेवरेट हो जाता है। तो फिर आयरा को एतराज़ हो जाता है कि मम्मा आप किया की फेवरेट डिश बनाती हैं, वो किस्वा को किया कहती है, और मैं जो बोलती हूँ आप वो नहीं बनाती। तो खैर, आज मैंने सोचा कि चलो बॉल्स वगैरह तो मैं उसकी मीट बॉल्स बना के रखती हूँ ताकि मुझे आसानी हो। बस यहाँ पर मैं जो है वो कोफ्तों का मसाला रेडी कर रही थी। बस मैंने प्याज जो है वो भुनने के लिए रख दी, और मीनवाइल जो है वो बच्चों को भी नहला धुला के मैंने रेडी कर दिया था, उनको चेंज वगैरह करा दिया था। दोनों बहनें बैठी हुई थी, अपनी जो है वो जेली वगैरह खा रही थी और कार्टून देखनी थी, और घर जो है वो इतना फैलाती हैं कि मैं, आप समझे कि सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ से उठाती ही रहती हूँ। और ये हो रहा था थोड़ा सा बाहर का नज़ारा, मैंने एक क्लिप बना लिया। वैसे तो हल्की हल्की सी धूप थी, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी।
आजकल ऐसे ही हो रहा है, धूप इतनी तेज़ होती है और जो है हवा काफ़ी अच्छी चल रही होती है। उसके साथ साथ ही जो है वो मैंने अपना सारा किचन भी नीट एंड क्लीन कर लिया था, बर्तन में साथ साथ ही धोती जाती हूँ ताकि जो है वो जमा ना हो। कोफ्ते मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए थे ताकि वो थोड़े बहुत डिफ्रॉस्ट हो जाएँ। और यहाँ जो है वो प्याज का मसाला हल्की आँच पर स्टिल मैं उसको भून रही थी। मैं इसी तरीके से कोफ्ते बनाती हूँ, कच्ची प्याज होती है तो मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी देर जो है वो बिल्कुल लो आंच पे काफ़ी देर पकाती हूँ ताकि उसका उसकी अंदर से जो प्याज की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और मसाले बहुत सिंपल से, वही हल्दी, मिर्च, धनिया और नमक, ज़ीरा थोड़ा सा, बस इस तरह से डालती हूँ घर के मसाले, कोई पैकेट का मसाला नहीं होता। और पता नहीं क्या आयरा को होता है, हर दो दिन बाद उसे जो है वो कोफ्ते चाहिए होते हैं और किस्वर ने तो उसका नाम ही कोफ्ता रख दिया है। यहाँ पर मसाला भून रहा था, मीनवाइल मैंने सोचा कि ये मेरा एक कैबिनेट जो था नीचे का काफ़ी मैसी हो रहा था, सामान जो है वो उसमें घुसा हुआ था बिल्कुल ख़राब तरीके से। तो जब तक मसाला भुन रहा है, सालन रेडी हो रहा है, तब तक मैं ऐसे अरेंज कर लूँ। बस यहाँ पर ये भी अरेंज हो गया था अच्छी तरीके से। वैसे अभी भी सामान जो है वो घुसा हुआ ही है, लेकिन उस तरीके से नहीं है जैसे पहले जो है वो अजीब व गरीब तरीके से रखा हुआ था। अब मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें दही शामिल कर दिया अच्छी तरीके से, क्विक सा मिक्स दे दिया दही शामिल करने के बाद। उसके बाद जो है मैंने कोई भी क्लिप नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि फैज़ान की कॉल आ गई थी और वो हम बात कर रहे थे, बच्चों से बात कर रहे थे, तो मोबाइल से ही मैं वीडियो शूट करती हूँ, मोबाइल से ही जाहिर सी बातें बात हो रही थी। तो फिर मैंने बच्चों को दे दिया फ़ोन, किस्वा लेती है, किस्वा जो है वो एक फ़ोन अपा करती है अपने बाबा से बात करने के लिए, फिर आयरा को चाहिए होता है, दोनों की बहुत लड़ाई चलती है कि मैंने करनी है पहले, मैंने करनी है। खैर हमने अपना लंच वगैरह भी कर लिया था और थोड़ा सा एक नैप भी ले लिया था, ये था शाम का टाइम। शाम में जो है वो मेरा भाई आया था और वो किस्वायरा को लेके गया था, खूब सारी वो चीज़ें दिला के लाया था, तो बस वही वो लेकर जो है बैठी हुई थी दोनों अपने स्नैक्स और कार्टून एंजॉय कर रही थी। आजकल ये सोफिया कार्टून जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ हुआ है किस्वायरा दोनों का। और आयरा यहाँ पर जो है वो अपनी एक छोटी सी चोट आप लोगों को दिखा रही है क्योंकि वो खेलते खेलते बाहर जो है छत पर गिर गई थी और उसको हल्का सा जो है वो एक खराश लग गई थी, उसको लेकर उसने बहुत ज़्यादा जो है वो रोना पीटना मचाया था। ये था शाम का टाइम, शाम का टाइम बहुत अच्छा हो रहा था, अच्छी सी हवा चल रही थी और ये देखिए इतने ज़्यादा बादल थे, लग रहा था अब बारिश हो जाए तब बारिश हो जाए, लेकिन बारिश नहीं होके दे रही, गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद है लेकिन उसके बावजूद बारिश नहीं हो रही। खैर शाम के टाइम मैं और किस्वायरा दोनों हम तीनों ही जो है वो छत पर होते हैं, मैं अपनी चाय भी जो है वो मगरिब के बाद ही पीती हूँ। मगरिब के बाद जो है वो किस्वायरा की कुरान क्लास होती है 7:30 पर, तो दोनों अपनी कुरान क्लास लेती हैं और इस टाइम जो होता है ये मेरा चाय पीने का टाइम होता है क्योंकि हर चीज़ से फारिग हो जाती हूँ मैं, इनके कुरान क्लास के लिए भी मुझे इनके साथ बैठना पड़ता है। किस्वा तो पढ़ लेती है पर आयरा का थोड़ा सा इशू होता है, आयरा के साथ ज़रा मुझे टाइम देना पड़ता है। यहाँ मैंने बना ली थी अपनी चाय और अब मैं जो हूँ जा रही थी बाहर ठंडे ठंडी हवा में अपनी चाय एंजॉय करने। और यहाँ पर एसी की सर्विस हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो एसी की सर्विस करवाने वालों को मैंने बुलाया हुआ था, बस वो एसी की सर्विस कर रहे थे। और इसी के साथ मैं आ गई हूँ इस ब्लॉग के एंड पे। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलूंगी बहुत जल्द एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।